नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं ध्रुव शर्मा ब्लॉग्स। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। और इस समय हैं हम मेरठ उत्तर प्रदेश में और हम जा रहे हैं ओगरनाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ओगरनाथ मंदिर में, और इस मंदिर को काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना आर्मी ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, क्योंकि आबादी से काफ़ी दूर है इसलिए यहाँ पर बनाया था, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी सैनिक भी थे और अंग्रेज़ों की तुलना में वो काले भी थे। हम हिंदुस्तानी काले हैं अंग्रेज़ों की तुलना में, इस वजह से उन सेना का नाम, उस टुकड़ी का नाम काली पलटन रखा गया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम भी काली पलटन रख दिया गया। इसी जगह से हमारी काली पलटन ने, हमारे काली पलटनों के सैनिक ने हमारे देश के लिए पहली क्रांति, हमारी आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी के लिए पहली क्रांति शुरू करी थी, जो कि 10 मई 1957 में शुरू करी थी। हालांकि ये जो तारीख थी ये 31 मई में शुरू होनी थी, पर किसी वजह से ये 10 मई पहले ही शुरू कर दी थी इन क्रांतिकारियों ने। इसके पीछे का कारण ये था कि जो हमारे क्रांतिकारी थे वो इस मंदिर में एक ऐतिहासिक कुआं है जहाँ से ये पानी पिया करते थे। तो एक बार ये पानी पीने के लिए आए तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने इनको पानी पीने के लिए मना कर दिया। उन्होंने जब कारण पूछा तो पंडित जी ने बताया, जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि जो आप कारतूस यूज़ कर रहे हो, जो अंग्रेज़ों ने आपको कारतूस दिए हैं, वो आप मुँह से छीलते हो, जो कि गाय की चर्बी से बना हुआ था। हालांकि ये हमारे हिंदुस्तानी फौजों को नहीं पता था। जब उनको पता चला तो फिर भाई उनको गुस्सा, जायज़ बात है उनको गुस्सा आएगा। जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने तभी अपनी क्रांति शुरू कर दी थी। उन्होंने 31 तारीख का समय नहीं लिया। इस ऐतिहासिक कुएं के पास ही हमारे देश के लेट मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने यहाँ पर एक स्मारक बनाया था, जिसको शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। और यही वो कुआं है और यही वो स्मारक है। अब जो वीडियो में आप देख रहे हैं यही वो कुआं है, इस पर ढक्कन लगा हुआ है, जहाँ से हमारे देश के क्रांतिकारी, हमारे काली पलटन के अधिकारी यहाँ पर ही बैठकर प्लानिंग करा कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, अपनी पहली क्रांति के लिए। इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ पर वीर मराठा पेशवा अपनी विजय यात्रा से पहले पूजा करने के लिए आया करते थे। इस वीडियो को बनाने का एक विशेष कारण था, जो कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई हमारी काली पलटन ने, हमारी काली पलटन के सैनिकों ने हमारे देश के लिए एक पहल करी थी, जो कि एक पहल सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए एक पहल करी थी, तो लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। हमें अपने सैनिकों पर, अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं और लोग जानेंगे इस बारे में। और आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।